भारत को सशक्त और समृद्ध करता CMPDIL उद्योग जगत में अपनी एक अलग पहचान रखता है। भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ये उपक्रम अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए भी जाना जाता है और यही कारण है कि अपने कार्यों के माध्यम से समाज के हर वर्ग के साथ एक मजबूत साझेदारी स्थापित करने में सफल रहा है। CMPDIL मुख्यालय और इसके सभी क्षेत्रीय संस्थानों के द्वारा CSR के तहत विभिन्न परियोजनाओं और गतिविधियों के लिए 2021-22 के लिए 6.85 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया। आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए। टीबी रोगियों के बेहतर और आधुनिकतम इलाज के लिए रामकृष्ण टीबी सेनेटोरियम टूपुदाना रांची को अल्ट्रासाउंड मशीन, कलर ड्रॉपलर सिस्टम प्रदान किया गया। इसके साथ ही साथ आसपास के गांवों तक त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सके, इसके लिए एक एम्बुलेंस भी उन्हें दिया गया। CMPDIL ने सीपेट यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 2 कोर्स स्पॉन्सर किए। इसमें झारखंड के 80 वंचित बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार के लायक बनाया गया। CMPDIL के द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए गए। खूंटी झारखंड में निमित नाम की संस्था के साथ मिलकर ढूकू महिलाओं को विवाह के बंधन में बांधकर उन्हें सामाजिक और कानूनी मान्यता प्रदान की। CMPDIL लोगों के स्वास्थ्य के प्रति हमेशा से संवेदनशील रहा है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिल सके इसके लिए समय समय पर चिकित्सा शिविर का आयोजन कर लोगों को इसका लाभ पहुंचाता रहा है। CMPDIL के प्रयासों का ही परिणाम है कि दिव्यांगों को कृत्रिम अंग के रूप में एक नया जीवन मिला। एलिम्बको कानपुर और जिला प्रशासन रांची के सहयोग से रांची जिले के 136 दिव्यांगों के बीच विभिन्न सहायता और उपकरणों का वितरण किया गया। वहीं बिलासपुर में भी दिव्यांग साथियों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान किए गए। इतना ही नहीं, गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन बलरामपुर यूनिट पुरुलिया पश्चिम बंगाल के 20 कुष्ठ रोगियों को अस्पताल में भर्ती और इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। CMPDIL ने रांची में बरियातू स्थित ब्रजकिशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय में छात्रावास एवं कंप्यूटर कक्ष का निर्माण किया है। यहां नेत्रहीन बालिकाओं की शिक्षा एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण में उनका सहयोग कर रहा है। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके इसके लिए कई स्कूलों में कंप्यूटर, कंप्यूटर टेबल, प्रोजेक्टर, बच्चों को खेलने के संसाधन तथा लाइट और पंखे की व्यवस्था भी की गई है। वहीं स्कूलों को वाटर हेड टैंक और वाटर कूलर भी प्रदान किए गए हैं। CMPDIL पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर भी बल दे रहा है। आसनसोल के विभिन्न गांवों में सौर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। धनबाद में जीवन ज्योति स्कूल में विशेष शिक्षा, व्यवसायिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, ऑडियो थेरेपी और व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से 123 दिव्यांगों की मदद की गई है। बड़गांव पंचायत जिला चतरा झारखंड में प्लेटफॉर्म और जल निकासी व्यवस्था के साथ 9 हैंडपंप, धुधु पूर्णा पानी, बालूमाथ, लातेहार झारखंड में प्लेटफॉर्म और जल निकासी व्यवस्था के साथ 5 हैंडपंप की स्थापना की गई है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए खासकर ओमिक्रॉन वेरिएंट की हालिया प्रकोपों को देखते हुए CMPDIL के द्वारा हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। CSC बुरमो ब्लॉक रांची में 200 LPM PSA ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना CMPDIL के द्वारा की गई है। कोविड के बाद स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके इसके लिए उन्हें कई तरह की सुविधा प्रदान की गई। CMPDIL ने पान बदल ग्राम भद्रवती चंद्रपुर में 1000 लीटर प्रति घंटे की क्षमता वाली 5 किलोवाट सौर संयंत्र सहित वाटर वेडिंग मशीन की स्थापना की। राष्ट्र संत तुकडोजी चैरिटेबल कैंसर अस्पताल नागपुर को 320 केवीए जनरेटर सेट उपलब्ध कराया गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंद्रपुर महाराष्ट्र में कोविड रोगियों के इलाज के लिए 25 बेड के कोविड सेंटर की स्थापना की। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र दुर्गापुर चंद्रपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सावरकला को कोविड-19 से संबंधित सामग्री प्रदान की गई।
मध्य भारत की थैलेसीमिया सोसाइटी को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराया गया। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत की गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए सीएमपीडीआईएल मुख्यालय और उसके क्षेत्रीय संस्थानों के द्वारा गो ग्रीन ड्रिंक क्लीन थीम पर आधारित कार्यक्रम चलाकर पौधारोपण किया गया। साथ ही स्वच्छ और हरित पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सभी क्षेत्रीय संस्थानों में स्वच्छता कार्य योजना भी मनाई गई। सीएमपीडीआईएल जिम्मेदार कॉरपोरेट के रूप में अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से ले रहा है। अपने सीएसआर गतिविधियों के संबंध में विस्तार से बताते हुए सीएमपीडीआईएल के सीएमडी श्री मनोज कुमार ने कहा, सीएमपीडीआईएल किसी विशेष वर्ष में सीएसआर गतिविधियों के लिए तुरंत पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% आवंटित करता है। पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए कुल सीएसआर बजट और व्यय में काफी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 21-22 में भारत सरकार द्वारा सूचित सीएसआर गतिविधियों के लिए सामान्य विषय स्वास्थ्य एवं पोषण था। सीएमपीडीआई मुख्यालय एवं सारे क्षेत्रीय संस्थानों ने स्वास्थ्य संबंधित कई तरह के प्रोजेक्ट को अंजाम दिया, जिससे हमारे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग, खासकर जो महंगी चिकित्सा वहन नहीं कर सकते, उन्हें इसका पूरा लाभ पूरी तरह मिल सके। इसके अलावा हम लोगों में महिलाओं को सशक्त बनाने की ओर कदम बढ़ाया है और यह भी कोशिश की है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमताओं को भी कम कर सके। हम अब अपने सामाजिक दायित्वों में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे झारखंड के बेरोजगार युवा, खासकर रूरल एरिया के बच्चे अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पर्यावरण संरक्षण हमारी सबसे अहम जिम्मेदारी है, जिसको लेकर सीएमपीडीआई हमेशा सजग रहा है। इसके तहत भी हम जागरूकता एवं अन्य कार्य कर रहे हैं। पूरे साल स्वच्छता ही सेवा एवं आजादी का अमृत महोत्सव विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा मना रहे हैं, जिसमें आमजनों से लेकर बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे उनमें देश के प्रति गौरवान्वित महसूस हो सके। कोविड के दौरान भी सीएमपीडीआई ने एक सामाजिक उत्तरदायी संस्था के रूप में काम किया है और समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर हर संभव सहायता करने की कोशिश की है। सीएमपीडीआई हमेशा से अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग रहा है और हमेशा अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से ले रहा है और अपने सभी क्षेत्रीय संस्थानों में जिला प्रशासन के साथ मिलकर अपनी सीएसआर गतिविधियों को बखूबी अंजाम दे रहा है। समाज में समावेशी विकास के लिए वहां के हर वर्ग के लोगों को सशक्त बनाने एवं उनके जीवन स्तर की स्थिति को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है और आगे भी करता रहेगा।